One. Welcome to Ecoholics. In this video, we are going to study about the Ex-Post and ex ante savings and investment. So let's get started. Before understanding ex ante savings, let's first understand what ex ante actually means. So basically, ex ante it means planned or expected. And what does exposed means? Exposed meaning actual or realized. So this is the basic difference between ex ante and exposed. Now, coming on to first ex ante savings. So, ex ante savings refers to the amount of saving which

सेविंग्स अब एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट बेसिकली हो जाएगा हमारा प्लैंड इन्वेस्टमेंट और हमारा इन्वेस्टमेंट कौन करता है इन्वेस्टमेंट हमारे करते हैं फॉर्म्स ठीक है सो दिस कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच

आर एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर एक्स एंटी सेविंग्स विल बी इक्वल। अब ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि सेविंग्स पीपल हु इन्वेस्ट ठीक है तो बेसिकली हमारे सेविंग्स कौन करता है सेविंग्स हमारे हाउस होल्ड करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट कौन करता है इन्वेस्टमेंट हमारे फॉर्म्स करते नाउ सेविंग्स कैसे होता है जो हमारे सेविंग्स होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली बिग अमाउंट में होता है ठीक है तो ये हो गया स्मॉल अमाउंट और ये हो गया बिग अमाउंट और सेविंग्स करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहता है फॉर अनफोर्सिन जैसे हम लोग सेव क्यों करते हैं हम लोग सेव हमारे अनफोर्सिन uh, कॉन्टीजेंसी के लिए करते हैं अब अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसी में क्या आ जाएगा इलनेस हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो बेसिकली हम सेव क्यों करते हैं यही अनफोर्सिन इवेंट के लिए अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट आर डन कैटेगरीज ऑफ पीपल एंड दे है इसमें और एक चीज है दैट एक्स सेविंग्स एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट हमेशा जरूरी नहीं है कि इक्वल हो इन एनी केस अगर हमारे एक्स सेविंग्स एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होते तब क्या होगा थ्रू चेंजेस थ्रू चेंजेस इन इनकम लेवल ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कैसे लेट्स से इफ आर प्लैंड इन्वेस्टमेंट is greater than planned savings तो इसका ऑबवियस आउटकम क्या होगा कि हमारे क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो जो लेवल ऑफ इनकम रहेगा इट विल ऑबवियसली राइज़ अब जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारे क्या हो जाएंगे हमारे सेविंग्स बढ़ जाएंगे एंड जब हमारे सेविंग्स बढ़ जाएंगे वो हमारे प्लैंड इन्वेस्टमेंट के एग्जैक्ट इक्वल हो जाएंगे तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे एक्स भी हो सकता है कि जब हमारे प्लांट सेविंग्स इकोनॉमी में ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा कि लोग ज्यादा सेव करने का प्लान कर रहे अब जब ये होता है देन आर इनकम फॉल्स एंड क्योंकि इनकम फॉल्स आर सेविंग्स विल आल्सो फॉल अब सेविंग्स फॉल तो इनिशियली हमारे सेविंग्स ज्यादा थे देन प्लाड इन्वेस्टमेंट अब क्या हो जाएंगे आर सेविंग्स विल फॉल एंड एडजस्ट इन सच अ मैनर दैट आर एक्स एंटी सेविंग्स विल बी इक्वल टू एक्स एंड इनवेस्टमेंट एंड ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इनकम लेवल वापस हमारा ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट आर इक्वलिब्रियम कंडीशन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव एक्सपोज सेविंग्स अब एक्सपोज क्या होते हैं एक्सपोज से एक्चुअल और रोअलाइज से इन एन इकोनमी ड्यूरिंग अर तो बेसिकली एक्सपोज सेविंग हो गए हमारे एक्चुअल सेविंग्स so our exposed savings it will be equal to our planned savings plus unplanned savings

तो डेफिनेशन क्या हो गई एक्सपोज इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू रोलाइज और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर तो अब एक्सपोज इन्वेस्टमेंट सिमिलरली एक्सपोज सेविंग्स की तरह क्या होंगे एक्सपोज इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लस अन इन्वेस्टमेंट Now, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इक्विलिब्रियम कंडीशन इस केस में क्या होगी सो व्हाट हैपेंस इन ऑल लेवल्स ऑफ इनकम सेविंग्स एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट में क्या था इट इज इक्वल ओनली एट द इक्म लेवल ऑफ इनकम एंड इसमें क्या इट इज एट ऑल लेवल ऑफ इनकम अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई वेन वी टॉक अबाउट आर टू सेक्टर मॉडल एंड आर एग्रीगेट सप्लाई विच इज इक्वल टू इनकम विच इज इक्वल टू सी प्लस एस मतलब जो भी हमें इनकम मिलता है या तो इट इज कंज्यूम्ड और इट इज सेव्ड सो वॉट हैपन्स नाउ When aggregate demand is equal to aggregate supply, our C plus I will be equal to C plus S. And therefore, our savings and investment will be equal. So, this is our equilibrium condition. That is, our exposed investment and exposed saving will be equal at all level of income. So, this is all about ex post and ex ante savings and investment. I hope you like this video. If you have any queries, you can write us at academics at the rate Thank you.